देखना कितना अच्छा बन गया है जवार का रोटी। आप लोग दाल के साथ और टमाटर की चटनी के साथ, सब्जी के साथ, दही के साथ खा लीजिए, बहुत बढ़िया, अच्छा हेल्दी रहेगा। मैं कैसा दिखाया वैसा मेजरमेंट से बनाइए, बहुत बढ़िया बन जाएगा। आप लोग बनाइए, खा लीजिए, कैसा रहेगा, कैसा टेस्ट है, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्रीज किचन में स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कैसे हैं, भगवान दया से सब ठीक ठाक है, सब हेल्दी खुशी रहने के लिए भगवान को प्रेयर कर रही है, मेरे के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। आज आप लोगों को सामने लेके आई हूँ जवार का रोटी। जवार का रोटी बनाना बड़ा मुश्किल है, किसी को नहीं आता है, बड़ा तकलीफ है, खाने के लिए इच्छा होता है। आजकल मार्केट में हर बाजार में भेज रही है ना, खरीद के खा रही है। हम लोग घर में बना सकता है, हम लोग आटा पीस के अच्छे से घर में शुद्ध रोटी अच्छे से साफ सुथरा खा सकते हैं। अच्छे से हम लोग रोटी कैसा बनाते हैं ऐसा बना सकते हैं, वो सिंपल है। सिंपल तरीका से कैसा बनाने का मैं बताऊंगी। आप लोग मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके साइड में एक घंटी है उसको दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। मैंने एक कप मैंने आटा लिया है, जवार का आटा लिया है, मैंने घर में बनाया है ये आटा। इसके अंदर 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल रही है, वीट का आटा। जवार का किसी को पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है, सोचेगा ना, एकदम अच्छे से टेस्ट आ जाएगा। 2 टेबलस्पून मिक्स कर दिया बस, नहीं करेगा तो भी रोटी अच्छा आ जाएगा, मगर मैंने डाल दिया है। आप लोग किसी को पसंद है तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं है। और इसमें 1 कप पानी लेने का है, बॉईल करने का है। कैसा बनाने का मैं दिखाती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई रखा है ना, हम लोग कौन सा कप से आटा लिया, 1 कप मैंने आटा लिया, 1 कप पानी बॉईल करने का है। कोई सा भी कप ले लो, आप लोग छोटा लो बड़ा लो, कोई सा भी कप, बड़ा भी लेगा तो भी 1 कप आटा लिया तो 1 कप पानी बराबर बॉईल करने का। उसके अंदर मिक्स किया तो बराबर मेजरमेंट हो जाएगा आप लोगों का। 2 कप आटा लिया तो 2 कप पानी बॉईल कर दीजिए। अभी 1 कप लिया मैंने, 1 कप पानी बॉईल कर रही है। अभी आटा में थोड़ा सा मैंने नमक डाल रही है। ये आटा में नमक नहीं डालेगा तो फिर रोटी अच्छा बन जाता है, इतना जरूरत नहीं है, मगर मैं तो थोड़े से डाल रही है। 1/4 टीस्पून मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। कोई कोई नमक नहीं डालते है आटा में, नहीं डालेगा तो भी अच्छा है हेल्थ के लिए भी, मगर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। अभी पानी बॉइल हो गई ना, मैं पानी बंद कर रही है। बंद करके ये आटा इसके अंदर डाल के एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखना हम लोग हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाता है ना। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही है ना आइडिया। ये अच्छे से 5 मिनट हम लोग ढक्कन रखेंगे, बाद में अच्छे से मल के रखेंगे इसका। अभी गर्म में ना हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, ढक्कन रख के 5 मिनट रखेंगे। थोड़े से ठंडा होने के बाद हम लोग हाथ से आटा कैसा मलते ऐसा मल के दिखाते हैं। देखा फ्रेंड्स, अभी आटा गर्म पानी में डाल के रखा है ना, ये जवार की आटा है। अभी हम लोग गूंद के देखेंगे, देखने कितना अच्छा लग रही है एकदम। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे हाथ में, थोड़ा सा ऑयल लगेगा हाथ में, चिपकेगा नहीं आटा। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देखना ऐसे सॉफ्ट रहने का है। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, देखना ऐसा है। देखा फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा हम लोग आटा ले लेंगे, ऐसा लेने का है, थोड़ा सा हम लोग आटा लगाने का है। हल्का ऐसा 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 दबाने के लिए हम लोग को नहीं आता है ना, हम लोग हल्का सा ऐसा लगा के आराम से ऊपर ऊपर का हल्का हल्का लगाने का, ऐसे ही घुमाने का है इसका। थोड़ा सा आटा डाल दीजिए, थोड़ा आटा ज्यादा लगाना पड़ता है हम लोगों को, ये नाजुक रहता है। हम लोग हल्का हल्का साइड साइड में से आराम से ऐसा निकाल के ऐसा रखना है। थोड़ा आटा ज्यादा लगेगा, कोई वादा नहीं है। मैं अभी घी से बना रही है, आप लोग को चाहिए तो ऑयल से भी बना सकते हैं। थोड़ा घी डालेगा ना एकदम अच्छा टेस्ट आ जाएगा रोटी में। अभी घी से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, क्यों चिपकने का नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा स्प्रेड करके डालेंगे। थोड़ा हाई में रख दीजिए, एकदम हाई नहीं, मीडियम से थोड़ा ज्यादा रख दीजिए,
ज्यादा सिम में रख के बनाएंगे तो कड़क हो जाएगा रोटी। अभी थोड़ा सा ऐसा रख के हम लोग थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, लेकिन आराम से इसको अच्छे से उल्टा करेंगे। थोड़ा ऐसा ऐसा बना के थोड़ा सा ऐसा हल्का दबाइए, देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे हम लोग को, घर में जवार का रोटी एकदम अच्छा बढ़िया बनेगा। हम लोग खुद बनाएंगे तो कितना खुश हो जाता है ना, घर का खाना एक बार खराब हो जाएगा दोबारा अच्छा आ जाएगा, क्यों एक बार हम लोग को समझ जाएगा कैसा बनाने का, दोबारा एकदम अच्छे से आ जाता है। हम लोग घर में ट्राई करने का है। अभी इसका थोड़ा सा हल्का लगाइए, ज्यादा थोड़ा घी ज्यादा खाने वाले थोड़े से डाल दीजिए, थोड़ा घी चाहिए तो घी डाल दीजिए, नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा ऑयल के साथ भी ऑयल डाल सकता है, ऑयल भी थोड़े से डाल के बनाइए। लेकिन हल्का सा दबाइए, ज्यादा नहीं दबाने का है, बिल्कुल आइडिया नहीं है ना वो लोगों को, मैं बता रही हूँ। थोड़ा मीडियम में रख के लेकिन थोड़ा सा गर्म होने का, एकदम लाल होने का, नहीं तो कच्चा कच्चा रहेगा, हेल्थ को भी अच्छा है ना। हफ्ते में एक दो बार बना के थोड़े सा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, ट्राई करके देख लो। देखने अभी और एक बनाती हूँ, इसका ढक्कन रख के रखेंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, कड़क खाने वाला क्रिस्पी अच्छा लगेगा, तो आप लोग ढक्कन मत रखिए, सॉफ्ट चाहिए बोलने वाला, बनाने के बाद तुरंत ढक्कन लगाइए, एकदम सॉफ्ट रहेगा। थोड़ा सा पहले आटा लीजिए ऐसा हल्का सा, एकदम अच्छे से हल्का सा, फिर आटा ले लीजिए ऐसा, देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रही ना, देखना कितना अच्छा लग रही ना। फिर थोड़ा सा घी लगाइए, दोबारा थोड़ा सा घी डालने का है, क्यों रोटी उसमें चिपकने का नहीं, बहुत प्यार से निकालने का, फटाफट नहीं आता है रोटी गेहूं का आटा जैसा, ये बहुत धीरे धीरे निकालने का है इसको। थोड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा आइडिया आएगा ना, एक दो बार खराब होगी तो तीसरा बार अच्छे से बन जाता है, आप लोग ट्राई करने का, बस एक बार ट्राई करेगा ना अच्छा रहेगा। ठीक ना, अभी थोड़ा सा घी डालती हूँ, ज्यादा घी भी नहीं डाल रही, देखना थोड़ा थोड़ा डालने का, बच्चा लोग को देगा ना बहुत ही अच्छा रहता है, घी डाल के बहुत ही अच्छा दे दीजिए बच्चा लोग को, घी ज्यादा खाएगा ना ताकत के लिए, पैर के लिए ताकत आ जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा पैर वगैरह, गाय का घी खिलाइए बच्चा लोग को, गाय का घी बहुत अच्छा रहता है बच्चा लोग को, बड़ा लोग को भी, देखना ऐसा पकने का, कच्चा कच्चा रहेगा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा थोड़ा सा मीडियम में रख के एकदम अच्छा बनाए, इसको बड़ा रोटी भी बना सकते हैं, ऐसा छोटा भी खा सकते हैं, हाथ से बनाने वाला बहुत बड़ा बड़ा बनाता है ना, हम लोग हाथ से बनाना में तकलीफ होगी तो ऐसे बना के खाने के लिए आप लोग को दिखा रही है, एकदम बढ़िया बन गए, देखना आप लोग ऐसे सारा बनाइए, देखना कितना अच्छा लग रही है ना, एकदम इधर भी अच्छा हो गया। आप लोग को ऐसा क्रिस्पी खाएगा तो ढक्कन मत रखिए, नहीं तो ढक्कन रखेगा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, देख लो गरम गरम खाएगा बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। सारा ऐसा ही बनाइए, देखना कितना अच्छा बन गया है जवार का रोटी, आप लोग दाल के साथ और टमाटर की चटनी के साथ, सब्जी के साथ, दही के साथ खा लीजिए, बहुत बढ़िया अच्छा हेल्दी रहेगा। मैं कैसा दिखाया वैसा मेजरमेंट से बनाइए, बहुत बढ़िया बन जाएगा, आप लोग बनाइए खा लीजिए, कैसा रहेगा कैसा टेस्ट है मेरे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट दीजिए, मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोगों को परिवार को फ्रेंड्स को सब मेरा चैनल को फॉरवर्ड कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।